हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है और आधार कार्ड को आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं फोटोशॉप से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऑन नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, UIDAI के पोर्टल पे आ जाना है। अगर अपना जो मोबाइल है आपके पास या कंप्यूटर है उसमें यहाँ पे UIDAI सर्च करेंगे। इस तरह से सर्च कर रहे हैं, बस सिंपली फ्रेंड्स आपको UIDAI के पोर्टल पे आ जाना है और यहाँ पे फर्स्ट वाला जो लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे इंग्लिश आप सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपका जो पोर्टल इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आधार डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे माई आधार पर क्लिक करेंगे, और माई आधार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का जो ऑप्शन है आधार डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे आधार डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके पास अगर आधार नंबर है तो उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इमेंट नंबर है उसे भी, और वर्चुअल आईडी है उसे भी, अपना जो आधार है आधार कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप क्रिमेंट नंबर से आपको यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको 14 नंबर का यहाँ पे इमेंट नंबर होता है उसको यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि किस डेट में आपका जो आधार कार्ड बना है उस इसमें डेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये सब सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको किस टाइम, आपको यहाँ पे टाइम दिया रहता है किस टाइम में आपका जो आधार कार्ड है बना हुआ है उसका भी यहाँ पे टाइम आपको रिसीविंग में देखने को मिल जाएगा। और यह सब डालने के बाद सिंपली आपको इस कैप्चर को फिल करेंगे और OTP पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से OTP पर क्लिक करने के बाद आपका जो डाउनलोड है आधार कार्ड है, यहाँ पे OTP सेंड हो जाएगा, आपके नंबर पे OTP गिरेगा, वहाँ से अपना जो OTP डाल के अपना जो आधार है डाउनलोड कर सकते हैं। चाहते हैं फ्रेंड्स आपका जो आधार नंबर इसने, जैसे में आपका जो यहाँ पे आधार नंबर आपके पास आए तो उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आधार नंबर डालेंगे और कैप्चर को फिल करेंगे, OTP सेंड करके अपना जो OTP यहाँ पे डाल के अपना जो आधार है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम फटाफट से अपना जो आधार है डाउनलोड करके आपको आगे का प्रोसेस हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली हमारा जो आधार कार्ड है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको अपना जो आधार कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से हमारा जो आधार कार्ड डाउनलोड होकर आ चुका है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है। तो सिंपली आपका जो आगे वाला जो नाम है 4 अंक का आपको बड़ा अक्षर में यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको ईयर्स यहाँ पे डाल देंगे। ईयर्स डालने के बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से आपका जो आधार कार्ड है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इसको किस तरह से प्रिंट करना है आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्रिंट करने के लिए सिंपली फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपके पास फोटोशॉप है उसको ओपन करेंगे। तो चले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको इस आधार को आपको PDF में, तो इसको हम JPG में करेंगे। JPG में करने के लिए iLog PDF खोलेंगे। iLog PDF खोलने के बाद सिंपली आपको इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको PDF से JPG आपको दिखाई देगा। तो सिंपली इस यहाँ पे अपना जो आधार कार्ड है उसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको फ्रेंड्स जहाँ भी फाइल में अपना जो आधार कार्ड है वो रखे हुए हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको खोलेंगे। तो सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ हमने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको इसको हम कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से कन्वर्ट करने के बाद सिंपली आपको फिर से आपको नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो फिर से आपको नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद सिंपली सेंड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो आधार कार्ड है डाउनलोड हो रहा है। तो सिंपली इसको ओपन करके आप देख सकते हैं, तो इस तरह से हमारा जो आधार कार्ड है आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली इस आधार को आपको प्रिंट करना है, किस तरह से प्रिंट करना है वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सिंपली फोटोशॉप को ओपन करेंगे, और फोटोशॉप को ओपन करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, फोटोशॉप को ओपन करने के बाद सिंपली दो बार क्लिक करेंगे, और दो बार क्लिक करने के बाद PC में जाएगा, जहाँ भी आप अपना जो फाइल में फ़ोटो रखे हुए हैं वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आधार कार्ड को फोटोशॉप में लाने के बाद सिंपली इसको हम बड़ा इस तरह से कर लेंगे, और बड़ा करने के बाद सिंपली दो यहाँ पे आधार कार्ड आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, इसको हम क्या कर लेंगे, प्रिंट करने वाले हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स, इसको प्रिंट करने के लिए सिंपली इसका जो क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे इस आधार कार्ड को, हम क्रॉप करेंगे, क्रॉप टूल्स को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड है इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है।
इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद आपका जो आधार कार्ड है यहाँ पे क्रॉप के साइज में यहाँ पे आ चुका है, तो सिंपली इस पर सही वाला टिक पर निशान करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो आधार कार्ड है यहाँ पे क्रॉप हो चुका है। उसी प्रकार को इस वाले आधार कार्ड को उसी प्रकार करना है। तो फ्रेंड्स इसको भी इस तरह से क्रॉप कर लेते हैं, और क्रॉप करने के बाद सिंपली इसको इस पर क्लिक करके इसको क्रॉप कर लेंगे। तो फाइनली हमारे दोनों आधार कार्ड हैं यहाँ पे क्रॉप हो चुका है, तो सिंपली इसको क्या करेंगे, दूसरा पेज हम लेंगे। दूसरा पेज लेने के लिए A4 साइज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और A4 साइज सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस पर ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने देने के बाद सिंपली आपको इस दोनों आधार कार्ड को इसमें इस पेज में ले आना है। तो सिंपली इसमें लाने के लिए सिंपली मूव टूल्स का यूज करेंगे, और मूव टूल्स का यूज करके यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इसको फोटो को उठाकर यानी आधार कार्ड को उठाकर यहाँ पे इसमें रख देंगे। फिर दोबारा उसी प्रकार इसको भी उसी तरह करना है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और फोटो को यानी आधार कार्ड को ट्रैक करते हुए इसमें इस वाले पेज में ले कर रख देंगे। तो यहाँ पे दोनों हमारा आधार कार्ड है यहाँ पे आ चुका है, तो सिंपली इसको बड़ा करेंगे इस तरह से। बड़ा करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, इस आधार कार्ड को आपको A4 साइज में फिक्स करना है। कितना साइज आप लेते हैं, तो सिंपली Ctrl+T एक साथ प्रेस करेंगे, और Ctrl+T एक साथ प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, अपना अंदाज से यहाँ पे इस तरह से फोटोशॉप में पेपर A4 साइज में आपको क्या करना है, इस तरह से A4 साइज में आपको आधार कार्ड को इतना यहाँ पे साइज देना है। आप देख सकते हैं इतना भी इधर से भी बच गया और उधर से भी इतना बच गया। तो सिंपली इसी प्रकार आपको A4 साइज में आपको आधार कार्ड है आप अपना अंदाज से अपना जो प्रिंट करते हैं इस तरह से बना लीजिएगा। आप कोई साइज आपको फिक्स नहीं करना होता है, सिंपली आपको इस प्रकार अपने अनुसार से अपने अपना जो आधार कार्ड है प्रिंट कर सकते हैं। सिंपली इसको फिर से हम बड़ा करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से बड़ा करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले आधार कार्ड को फिर से आपको Ctrl+T प्रेस करेंगे, और इसके वाले साइज में आपको ले जाना है। इस वाले साइज में ले आके यहाँ पे इसको भी फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे फिक्स करने के बाद सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे, और ओके पर क्लिक करने के बाद इसको नीचे यहाँ पे कर देंगे। देख सकते हैं दोनों आधार कार्ड हमें एक साइज में यहाँ पे आ चुका है। एक साइज में लाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको प्रिंट करना है। तो प्रिंट जो भी आप प्रिंट करेंगे, आपका जो लेमिनेशन पाउच होता है उसमें आपका जो आधार कार्ड है फिक्स यहाँ पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें अपना अनुसार से अपना जो आधार कार्ड है वो प्रिंट कर सकते हैं। इसमें कोई यहाँ पे साइज आपको लेना जरूरी नहीं पड़ेगा, इसी साइज में आप प्रिंट करेंगे तो आपका जो लेमिनेशन पाउच है उसमें पूरा यहाँ पे फिक्स जाएगा। तो सिंपली इसको प्रिंट करने के Ctrl+P एक साथ प्रेस करेंगे, और यहाँ पे Ctrl+T प्रेस करने के बाद सिंपली इसको टिक करेंगे, और इसको नीचे थोड़ा सा कर देंगे कि आपका जो आधार कार्ड है ताकि ऊपर से ना कटे। तो आपको प्रिंट करने के लिए प्रिंट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे हाई क्वालिटी जो भी करना चाहते हैं कर लेंगे, सेटिंग करके ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स आपको ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर से आपको ओके पर क्लिक करने को बोलेगा, तो सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से अपना जो आधार कार्ड है डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में पूरा जानकारी दिए हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।